नमस्कार दोस्तों, आज मेरे YouTube चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। आज मैं ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स मॉडल का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये अभी एक वीक पहले ही परचेज की हुई कार है, हम उसका रिव्यू करेंगे। पेट्रोल वर्जन है स्पोर्ट्स मॉडल का। हम आपको बताएंगे अंदर क्या है, बाहर क्या है, कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है, क्या है क्या नहीं है, उसकी पूरी डिटेल में आपको सब कुछ बताएगा। पहले बाहर से उसका ही एक्सटीरियर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये पार्किंग सेंसर के साथ आता है। ये स्पोर्ट्स मॉडल 1.2 लीटर का इंजन है। पीछे जो मिरर है टेल गेट के साथ, पूरा देख सकते हैं साइड प्रोफाइल। यहाँ पे अलॉय व्हील्स इस मॉडल में नहीं है, तो ये डिश काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बनाने के लिए। ये मिरर है जो अंदर से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन हो और क्लोज होते। ये फ्रंट व्यू है, डे टाइम रनिंग लाइट फॉग लैम्प के साथ आती है। उसकी डिटेल बताओ तो गाड़ी की लेंथ है 3765 mm की लेंथ आती है इसकी। इसकी जो विड्थ आती है 1616 mm की उसकी विड्थ है। हाइट है इसकी 1520 mm की हाइट है। व्हील बेस देखें आप, पूरा देख सकते हैं व्हील बेस इसका। नीचे से 2425 mm का इसका व्हील बेस है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 165 का ग्राउंड क्लियरेंस है, थोड़ा कम है, पर ये उसको स्पोर्ट्स लुक देता है, इसलिए थोड़ी नीची बनाई है गाड़ी। और बूट स्पेस की बात करें तो इसका 256 लीटर का बूट है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वेल इक्विप्ड है। आपको दिखा देता हूँ बूट ओपन करके। ये देखो गाड़ी का बूट है। यहाँ पे आपको लैंप मिसिंग दिखेगा, लैंप अवेलेबल नहीं है, तो रात के समय दिक्कत होगी। ये इसका स्पेयर व्हील है और उसकी जो एसेसरी किट ये सब आती है। दोस्तों मैं आपको उसकी प्राइस और वो सब कुछ बाद में बताऊंगा। ये देख सकते हैं ये कैमरा लगा हुआ है, रिवर्स कैमरा है। जब हम गाड़ी रिवर्स लेते हैं, गियर में डालते हैं, तो उसका ये पार्किंग सेंसर है इसके रिवर्स के लिए। ये मिरर देख सकते हैं आप, लाइटिंग के साथ आते हैं। अभी अंदर जाके देखते हैं गाड़ी में क्या क्या है क्या नहीं है। फ्रंट सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है, आप उसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। ये स्टीयरिंग भी आप उसका एडजस्टेबल है, वो कर सकते हो। एयरबैग मिलेगा आपको इसमें दोनों, ड्राइवर और पैसेंजर के लिए यहाँ पे एयरबैग अवेलेबल है। ABS, EBD ये सब फीचर्स आपको नहीं मिलेगा इसमें। यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगा आपको। AC की बात करें तो ये मैनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वो AC है। यहाँ पे आगे लाइट दी है लड़कियों के तैयार होने के लिए। यहाँ पे मिरर भी दिया है, लड़के भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। डोर में देखें तो कप होल्डर्स हैं, आप देख सकते हैं, पर काफ़ी छोटे हैं, पर अच्छा है। बीच की बात करें तो यहाँ पे आपको कप होल्डर्स, दो कप होल्डर्स की रखने का, आगे आप कुछ बिस्किट रखा हुआ है, कुछ भी रखने का सामान मिल जाएगा। ये यहाँ पे टेल ओड का चार्जिंग पॉइंट दिया है, USB पोर्ट है, वो मिल जाएगा आपको। टच स्क्रीन वाला मैं चालू करके ही बताता हूँ आपको।
टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला ये म्यूज़िक सिस्टम मिल जाएगा। गाड़ी अभी 170 किलोमीटर ही चली है, अभी परचेज़ किए नहीं। इसका म्यूज़िक सिस्टम ट्राई करते हैं। जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सामो पिया। देख सकते हो अच्छा डिस्प्ले बनाए और ये टच भी अच्छा है, जैसा तैसा नहीं दिया है, काफ़ी अच्छा है। अभी साइड में बात करें तो आप यहाँ से चारों विंडो के ऑपरेट कर सकते हैं, मिरर ऊपर नीचे कर सकते हैं, चाइल्ड लॉक दिया है, ये भी लॉक है, मिरर जो है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो और उसको ओपन या क्लोज भी कर सकते हो यहाँ से अंदर से बैठे ही। ओके, अभी पीछे से थोड़ी गाड़ी का बता देता हूँ। यहाँ पे पेट्रोल का ओपन करने का दिया है, आगे से आप ये इंजन का जो पार्ट है वो ओपन कर सकते हो। पीछे की सीट की बात करें तो ये देखो कप होल्डर्स मिल जाएंगे, चारों डोर में आपको स्पीकर मिल जाएगा, चारों के चार डोर में म्यूजिक सिस्टम अभी मैंने चालू करके बताया, काफ़ी अच्छा है, साउंड वगैरह क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। अभी ये मैंने आगे की सीट मेरी 5.6 हाइट है फिट की, तो उस हिसाब से सेट की है, तो आप देख सकते लेग स्पेस है, काफ़ी अच्छा है लेग स्पेस। तीन लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं पर दो लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। ये एयर वेंट है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये पीछे का व्यू है, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, काफ़ी मजबूत है तो आप हैवी सामान रख सकते हैं, उसको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ABS नहीं मिलेगा आपको, EBD नहीं मिलेगा, उस ये सब चीज़ें चाहिएगी तो आपको हायर वर्जन में जाना पड़ेगा। फिर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है, ये देखिए उसकी की में ही लगा हुआ है, ये की में ही लॉक अनलॉक की फैसिलिटी अवेलेबल है, रिमोट की आती है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आता है, पार्किंग सेंसर भी आते हैं, ये मैंने आपको बताया, और ड्राइवर सीट्स एडजस्टमेंट मैन्युअली करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं है। फिर यहाँ पे एक अच्छा फीचर्स वो दिया है, मैं उस साइड जाके आपको बताता हूँ, कि आप किसी सामान को थोड़ा ठंडा रखना चाहते हैं तो AC के साथ इसका फैसिलिटी दी है। अभी सभी कार में ये नया फीचर्स आने लगा है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये यहाँ से ठंडी हवा आती है तो आपका कुछ सामान होगा तो वो थोड़ा ठंडा रहेगा, काफ़ी अच्छा क्वालिटी वाइज बढ़िया है, मारुति के जैसा नहीं है, थोड़ा अच्छा है मारुति से। देखिए दरवाजे भी हैवी है। अभी इंजन की बात करें तो इसका 1.2, जैसे मैंने पहले बताया 1.2 लीटर का इंजन है, को ओपन करके ही बताता हूँ। लीटर का ये 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल कार है इसलिए। यहाँ पे आपको मिलेगा, कंपनी बोल रही है 19 की एवरेज की बात कर रही है, पर आप चलाएंगे अभी मेरी गाड़ी की ये यहाँ पे देखेगा तो आप 15 की एवरेज अभी बोल रही है, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं, फिर आगे जाके अच्छी होगी। पावर की बात करें तो 81 BHP विथ 6000 RPM के साथ आता है, और इसका टॉर्क की बात करें तो 114
न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका 4 RPM के साथ। सो काफ़ी पावरफुल है, पिकअप भी अच्छा है इसका। ये मटेरियल देखें काफ़ी हैवी है, एकदम बढ़िया बनाई है गाड़ी। आप देखें ये फॉग लैंप एलईडी डे टाइम लर्निंग लाइट के साथ है। ये ग्रिल है, बम्पर ये बनाए हैं आगे का, काफ़ी स्पोर्ट्स लुक देता है गाड़ी को। पीछे का ये था कंप्लीट रिव्यू ऑफ ग्रैंड आई 10 स्पोर्ट्स मॉडल का। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।